नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टडी डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का ब्लास्टिक कांस्टेंट ज्ञात करने वाले प्रैक्टिकल का फाइल वर्क कर रहे हैं। इसका पहले प्रैक्टिकल वीडियो आ चुका है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप विजिट करके देख लें। आओ चलो इसकी शुरुआत करें। सर्वप्रथम हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम कुछ इसका इस प्रकार से बना होता है, R1 R2, जहाँ पर हमारा R1 निम्न प्रतिरोध और R2 उच्च प्रतिरोध होता है। ये हमारी बैटरी, यहाँ पर हम लगभग 2 वोल्ट का विभवांतर काम में लेंगे। अब बात करते हैं हमारी 4 टर्मिनल कुंजी को जोड़ने की, तो यह हमारी 4 टर्मिनल कुंजी कुछ इस प्रकार से बनी होती है, 1 2 3 4, जहाँ पर हम 4 और 2 को यहाँ से इस प्रकार से प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। अब बात करते हैं BG को जोड़ने की, तो BG को जोड़ने के लिए जैसे BG के साथ हम श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा BG हो गया। BG के साथ हम जोड़ते हैं हमारी टैपिंग की, ये टैपिंग की BG का दूसरा वायर आकर इस प्रकार से हमारे टर्मिनल नंबर 3 से जुड़ गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 टर्मिनल को हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, ब्लास्टिक कांस्टेंट। तो ब्लास्टिक कांस्टेंट का सर्वप्रथम हमें फॉर्मूला आना चाहिए, वो है T/2πI/φI0/φ कूलाम पर सेंटीमीटर, जहाँ पर I0 होता है हमारा R1 प्लस R2 एम्पियर, और फाई हम ज्ञात करते हैं इनके माध्य से φ1 और φ2/2 से, जहाँ पर φ1 हमारा क्या है, एक दिशा के लिए विक्षेप, वो कैसे उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसको देख लेने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका हिंदी में उद्देश्य स्थिर विक्षेप विधि द्वारा प्रक्षेप धारा मापक नियतांक ज्ञात करना, ये हम यहाँ पर एपरेटस काम में लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे फाई की, जैसे ये हमारी BG की स्केल है, माना कि ये 0 इससे इस तरफ ये 25 तक जाएगी, 25 हाईएस्ट, और इस तरफ भी ये 25 तक जाएगी। अब φ1 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जैसे ये सारणी से समझे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सारणी में हम कहते हैं φ1 एक दिशा में धारा द्वारा विक्षेप, और विपरीत दिशा में धारा द्वारा विक्षेप φ2, ओके, प्रकाश बिंदु का विक्षेप को विपरीत दिशा के लिए हम φ2 कहते हैं, और फिर इनका दोनों का माध्य लेकर हम φ ज्ञात करते हैं। तो चलो उसकी देखते हैं कि φ1 कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर और समझ लेते हैं कि R1 हमारा कौन सा प्रतिरोध है, ये R1 है, R2 कौन सा प्रतिरोध है, ये है, और ये R, ये हमारा जो कि हम यहाँ पर लेंगे 0.1 × 10⁶, यानी ये मेगा ओम कोटि का होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁵ ओम, ओके। और ई हमने कितना लिया, यहाँ पर विभवांतर 2 वोल्ट लिया। अब जैसे रीडिंग लेने का तरीका हमारा यहाँ पर यह रहता है कि जैसे हम R1 में 10 ओम प्रतिरोध हमने निकाल लिया, ये जैसे R1 में 10 ओम निकाल दिया, R2 में हमने 100 ओम निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी BG की स्केल पड़ी है, अब मैं कनेक्ट करूँगा धारक एक दिशा के लिए 4 2 1 और 3 2 2, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन की दो ये कुंजियाँ मैं इंसर्ट कर दूँगा। जैसे मैंने ये कनेक्ट कर दिया, अब मैं देखूँगा कि मेरे धारा की दिशा किस तरफ है। तो धारा ये जैसे हम जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर बहती हैं सर्किट में, तो ये इस तरफ जाएगी। तो ये कनेक्शन किस प्रकार से किया हुआ, यहाँ से ये धारा की दिशा किस दिशा में होगी, इस दिशा में। जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो माना कि मेरा ये जो BG पर प्रकाश बिंदु था वो इस तरफ गया, तो वो कितने तक गया, 4.7 तक, तो मैंने नोट कर लिया 4.7, इसको मैंने कह दिया φ1। अब मैं BG को टैप करके 0 करूँगा और इन कुंजियों को रिमूव कर लूँगा। अब इन कुंजियों को रिमूव कर और BG को टैप करके 0 करने के बाद मैं धारा की विपरीत दिशा के लिए रीडिंग लेने का प्रोसेस करूँगा। तो धारा की विपरीत दिशा के लिए रीडिंग लेने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जैसे मैंने इस डायरेक्शन में इंसर्ट की थी, अब मैं इस डायरेक्शन में इंसर्ट करूँगा, जो कि मेरी दो टर्मिनल कुंजियाँ सेंस रह गई थी, यानी 1 2 2 और 4 2 3 को। जैसे मैं इसको कनेक्ट करके मैं धारा की दिशा देखना चाहूँगा, तो मेरे धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये जैसे धारा किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में, यानी धारा पहले की विपरीत हो गई। तो अब मेरा जो विक्षेप आएगा तो वो इस तरफ आएगा, φ1 किस तरफ आया था, इस तरफ। अब मैंने जैसे इसको कनेक्ट किया, तो मेरा ये पहला विक्षेप कितना आया, 4.3 पर, तो उसको मैंने नोट कर लिया, फिर दोनों का माध्य ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास φ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, I0 के लिए अलग अलग वैल्यूज पे, जैसे जैसे मैंने φ लिया था,
जैसे जैसे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मैंने फाई लिया था, जैसे 10 ओम पर, 20 ओम पर, 30 ओम पर, यानी यहाँ पर जैसे रीडिंग लेने का प्रोसेस ये रहता है कि अगेन समझ लिया हम कि हम आर टू में एक जैसे 100 ओम प्रतिरोध कांस्टेंट कर दिया, तो हम पहले आर वन में 3 प्रतिरोध चेंज करेंगे, एक 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, फिर अगेन आर टू में हम 100 ओम प्रतिरोध कांस्टेंट कर लेंगे, इस पर फिर 3 रीडिंग लेंगे, फिर आर टू में 300 ओम कांस्टेंट करके इस पर 2 रीडिंग लेंगे, यानी हम यहाँ पर लगभग 8 रीडिंग लेंगे जो कि इस प्रकार से आई जैसे कि आपको शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो आर वन आर टू की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे हमारे आई नोट वाले में, और हम यहाँ से आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे आर वन हमारा जब 10 ओम था, 20 ओम था, 30 ओम था, और आर टू हमारा 100 ओम था, तो इसके लिए हमने आई नोट की अलग अलग गणनाएँ की, तो हमारे पास ये 3 रिजल्ट यहाँ से आई। उसके बाद जैसे आई नोट फोर, तो आई नोट फोर के लिए जैसे हम 10 ओम लिया आर वन, तो आर टू हमने उस समय कितना लिया, 200 ओम लिया, जैसे यहाँ से ये इसके लिए 10 ओम और 200 ओम, फिर इसके लिए, इसके लिए, इस प्रकार से, फिर इसके लिए हमने यहाँ से आई नोट फाइव, आई नोट सिक्स की, ये इस प्रकार से गणनाएं की। और जैसे हम यहाँ से जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें जैसे कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से हमारा 1.81 प्राप्त हुआ, इसको लिख दिया, यहाँ से ये प्राप्त हुआ, यहाँ से ये जैसे 0.95 प्राप्त हुआ तो इसको लिख दिया, यहाँ से ये 1.81 प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार से इसको लिख के ये हम सारणी तैयार करेंगे। उसके बाद जैसे आई नोट सेवन, आई नोट एट, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, आई नोट अपॉन फाइव, क्योंकि आई नोट अपॉन फाइव की हमें किस में ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे इस फॉर्मूले में, के फॉर्मूले में, तो फिर हमने आई नोट फाइव को यहाँ से कैलकुलेट किया, जो वैल्यूज प्राप्त हो रही है वो किसके मल्टीप्लाई में है, 10^-7 के, तो उसको हमने लिख दिया 10^-7 के मल्टीप्लाई में ये सारी वैल्यूज लिख दी। फिर उनका हमने माध्य लिया, जैसे ये वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं, जैसे प्राप्त हुई हमें यहाँ से जैसा कि आपको शो हो रहा है, ओके। जैसे यहाँ से हम अलग अलग लेंगे, जैसे आई नोट वन अपॉन फाइव वन डेज, आई नोट टू, इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ से जैसे रीडिंग आ रही है जैसा कि आपको शो हो रहा है, आई नोट सेवन अपॉन फाइव सेवन डेज। यहाँ पर डेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जैसे 51 और 52 तो किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, पूरे को ले रहे हैं, 51 इस पूरे को ले रहे हैं और 52 इसको, तो आगे हम यहाँ पर जैसे डेस लगा के लिख देंगे तो सही रहेगा, यानी हम इसको जैसे जैसे ये तो 5 तो हमारा ये है, इसको जैसे आगे लिख रहे हैं तो 51 डेस लिख रहे हैं, 52 डेस लिख रहे हैं, ओके, इसको ताकि हमें इस पर अलग अलग शो हो सके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो किसी प्रकार का, आसान रहे समझने में। जैसे उसके बाद हमने ये आई नोट एट अपॉन फाइव एट डेज के लिए, फिर हमने इनका माध्य निकाल लिया आई नोट अपॉन फाइव का, तो हमारे पास ये माध्य से हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि हमने यहाँ पर पीछे हमारी सारणी में लिखी थी। उसके बाद हम इसकी वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, हमारे के वाले फॉर्मूले में, ये जैसे हमारा के वाला फॉर्मूला था इसमें रख दिया, तो हमारे पास यहाँ से के की वैल्यू आ गई 17.6 × 10⁻¹⁸ कूलम पर सेंटीमीटर, जो कि हमारा रिजल्ट है। इस वीडियो में मैं आपको आशा करता हूं जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ आया, और किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपको भविष्य में इस प्रकार की और बेटर सेवाएं प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारे साथ इस प्रकार से साथ बना रहे, थैंक यू।